आज 16 डेट है, पार्ट आज थ्री, चलिए पार्ट थ्री के कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। पेज नंबर 1 है आपका, लेसन नंबर 9 चल रहा है आपका, 12th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए। इसमें आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको अर्थ का दिया हुआ है, ये 6.4 × 10^21 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। हमें कंसीडर करना है टू बी ड्यू टू ए करंट लू वुड वाउंड अराउंड द इक्वेटर ऑन अर्थ फाइंड द करंट। ये हमें क्वेश्चन है गिवन है, इस क्वेश्चन में से हमें आर की गिवन है, कैपिटल एम गिवन है, कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, आर क्या होता है रेडियस होती है, और ए क्या है हमारा 4πr² 4πr² को कैपिटल 4π कहते हैं। इसकी वैल्यू हमने 4πr की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा एरिया निकलेगा। इस एरिया में हमें m इक्वल टू ni निकालना है, इसमें हमें i निकालनी है, तो 4m/ni, तो 4m/ni 4 हमने ये लगाया है क्योंकि हमने एरिया यहाँ का 4 गुना लिया है, जो एरिया का फॉर्मूला था πr², लेकिन हमने 4π, तो यहाँ हमें m को 4 गुना करना पड़ेगा, m के लिए 4 गुना करना पड़ेगा क्यों, एरिया हमने 4 गुना लिया है, ठीक है। तो 4m तो 6.4 × 10^21 × 4 / 1 × 4 × 22/7 6.4 × 6.4, लेकिन क्यों पावर 2 है, रेडियस है, रेडियस की पावर 2 है इसमें, इसको हम दो बार लिखेंगे 4 × 1 × 4 × 22/7 × 6.4 × 6.4 × 10^12 6 का 12 पावर हो जाएंगे, 6.4 कैंसिल करेंगे, ये 7 ऊपर जाएगा, फिर 7 और 4 और ये 4 हमारा है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करके हमारा जो हमारा आएगा 7000/1408, ये इससे इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 × 10^7 जाएगा, वैसे 4.99 आता है लेकिन हमने इसको डायरेक्टली पूरा कट कर दिया है, तो 5 × 10^7 एम्पियर, ये हमने डायरेक्ट करंट इसकी निकाल। बच्चों अब इसमें कुछ पेज नंबर 2 लेंगे, अब इसमें जो दिया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज आपको गिवन है, इतना फाइंड द फील्ड ऑफ एट ए डिस्टेंस आपका 2 एंगस्ट्रम है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप गिवन द, हमें m गिवन है, r गिवन है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड P इक्वल टू होता है μ0/4π(2m/r³। अगर हम इसी सर्कुलर है और उसको सर्कुलर पाथ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना सेंटर पर, तो उसके लिए फॉर्मूला P इक्वल टू μ0/4π(2m/r³ होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10^7 2 × m, m की वैल्यू आपने ये रख दी, r की वैल्यू आपको पता है 2 × 10^10 होती है, तो 10^10 लगा दी। अब इसकी ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8/16/8 (32 और 30, इसमें माइनस पावर हो जाएंगे, ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगे, 32 में से 30 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 8 × 2 = 16, तो 2 × 10^-2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 26। अब करते हैं 27। 27 में आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इन क्वेश्चन में आपको कोयल ऑफ रेडियस आपको दे रखी है, हैज़ 35 टर्न्स आपको गिवन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल, कोयल के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आपका जो है हमें एक्सिस फ्रॉम द सेंटर आपको निकालना है एक्सिस पर, और उसमें आपको 1.2 करंट दे रखी है, ठीक है। तो हमें म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है वो पता होनी चाहिए, μ0 = 4π × 10^-7 होती है, रेडियस हमारी ए होती है 4 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न आपके 35 हैं, एस की वैल्यू 40 है, करंट हमारी है 1.2 एम्पियर। तो इसमें हमारा कोयल का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में B = μ0/2 nIa² / a² + x², इसमें हमें जो है
वैल्यू रखेंगे जो हमने ऊपर वाली दे रखी है उसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। जब हमें केवल सर्कुलर पाथ पर निकालना है सर्कुलर वे में तो बी सी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन टू एन आई अपॉन आर, एन भी आपको पता है, आई भी पता है, आपको आर भी पता है, तो दूसरी वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी। तो इसमें दो आंसर निकालें, ये वैल्यू हमें दी हुई है इस फॉर्मूला को, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस सर्कुलर के लिए, सर्कुलर में आपके यू नॉट की वैल्यू पता है, एन की पता, आई की पता, आर की पता, ये सारी वैल्यू रखेंगे, यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी, तो इसमें ये हमारी जो वैल्यू है, पहले ये वैल्यू दी हुई थी, ये हमने रख दी, इसमें सॉल्व करके आ गई। फिर मैं सर्कुलर में निकालना है, मैं ये वैल्यू गिवन है, फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू यहाँ रखी, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब पेज नंबर आपका 3 चलेगा है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ए बार मैग्नेट आपको दिया हुआ है 1.25 है। कैलकुलेट आपको करना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर करना है, एक्सिस ऑफ द रेजिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एम आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, बी हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। इसमें इसकी वैल्यू हमें पता है ये, एम की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये, ये सबको सिंप्लीफाई, इसको इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे अब ये सेम नंबर हो गई, दोनों कट कर देंगे कि कितना बचेगा 2×10⁻¹। कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, यदि आप करो खुद भी तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगी आपको, लेकिन मैंने आपके सभी कैलकुलेशन को अच्छी तरह आपको समझा करके मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मैग्नेट एंड ऑन द पोजिशन एंड ऑन पोजिशन 2×10⁻⁴ टेस्ला, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन्फिनिटी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ब्रॉड ऑन साइड, पोजिशन ऑफ मैग्नेट इज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, आर भी आपको गिविन है, आर भी आपको दे रखी है, गिविन दैट आर इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, और बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें बी की वैल्यू हमारी ये है, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी है, और 2m में हमें m की वैल्यू दी हुई है, हमने वो रख दी, इसमें r की वैल्यू गिवन है, हमने वो रख दी, जो सेम नंबर वो कट कर दिए, जो बचा उसमें हमने 1.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ये तो हमने निकाला एंड ऑन पोजीशन पे, अब हमको कुछ किस पर निकालना, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π m/r³, यहाँ 2 नहीं लगता, यहाँ पर m लगता है केवल है, तो इसमें इसमें वैल्यू की कितनी है, 1×10⁻¹, m की वैल्यू 1 आई आपकी सॉल्व करके, यहाँ 1 लिख दी, r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू कितनी है, r की क्यू की वैल्यू 8×10⁻³, क्योंकि r की वैल्यू कितनी दी है, जो r की वैल्यू दी उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इस, अब हम क्या करेंगे कि इस ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के नीचे करेंगे, तो 1/8 और 3 में से 4, 7 में से 3 पार जाएंगे, तो 4 पार बचेंगे माइनस की, अब 1/8 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा 0.125, तो एक पॉइंट हटाएंगे, एक पार बढ़ा देंगे, तो 4 पावर बची हमारी, यहाँ पर 5 पावर हो गई, तो 1.25×10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका क्वेश्चन हुआ, एक ब्रॉड ऑन पोजीशन पर एंड ऑन पोजीशन पर आपने ये निकाल लिया, और ये क्वेश्चन आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 30 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4am² दे रखा है, हमें फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड 5 सेंटीमीटर पर, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो इक्वेटोरियल लाइन पर हमारी इतने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें उसमें इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट से इतनी हमें दे रखी है। तो अब हमें गिवन दैट क्या क्या है, एम की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। इसमें इन सब जो वैल्यू ऊपर आपको दे रखी है वो हमने यहाँ पुट कर दी, इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करी, नीचे के नीचे, अब इनको
डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हमारा 6.4 टेन टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। ओके, सेकंड पार्ट में वही फॉर्मूला लगाना है, ब्रॉडन को इसमें 5 टेन टू माइनस 2 ये मैं दिया हुआ है, और इसमें 10 टू द पावर 7 4 अपॉन आर क्यूब, इसमें आर क्यूब निकालने हैं, आर क्यूब को इस तरफ ले जाएंगे और इसको इसके नीचे लाएंगे तो हमारे ये क्यूब रूट हो गई 4 इन टेन टू द पावर माइनस 5 अपॉन 4, 4 से 5 से डिवाइड करेंगे 4 में तो हमारा 8 आएगा, जो पॉइंट आएगा पॉइंट को पावर ले जाएंगे 6 पावर हो जाएंगी, 8 को हम तोड़ेंगे 2 की पावर 3 और 6 पावर 6 को 3 डिवाइड करेंगे पावर कितने आ जाएंगे 2, वो सेंटीमीटर में चली जाएंगी और इस पावर से पावर कटेगी तो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 2 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी आ जाएगी। ओके, अब हम क्वेश्चन चलाते हैं आपका 31। 31 में क्या दिया है, टू स्मॉल मैग्नेट दे रखे हैं, वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। इफ़ दे आर द मैग्नेटिक मोमेंट, इनके हमें दे रखे हैं अलग अलग दोनों के, फाइंड हमें मैग्नेटिक फील्ड मिडिल पर पॉइंट पर हमको निकालना है। तो अब हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, गिवन दैट R1 R2 मिडिल में निकालना, टोटल 20 है, 20 हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर इसकी 10 सेंटीमीटर इसकी, तो M1 हमारी 0.20 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, M2 इक्वल टू 0.40 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, डेल्टा बी हमें मिडिल में निकालना, डेल्टा बी इक्वल टू B2 माइनस B1, क्योंकि एक पोल पॉजिटिव होता है एक पोल नेगेटिव होता है, दोनों डिफरेंट हो गए तो दोनों को माइनस करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4π2 M2 अपॉन R2 क्यूब M1 अपॉन R2, इसमें ये सारी वैल्यू जो ऊपर दे रखे इन वैल्यू को यहाँ रखेंगे। अब जो हमारा LCM है, LCM ले करके 8 में से 4 गए तो 4 बचे, अब 4 अब ये बाहर पावर है हमारी 7 है, नीचे पावर कितनी 7 में 3 पावर गई कितनी बची 4 पावर, एक पॉइंट हटाएंगे तो पावर बढ़ेगी, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आपका 32, एक कपल ऑफ मोमेंट आपको गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू कीप मैग्नेटिक डायपोल परपेंडिकुलर टू द MF मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, फाइंड द हमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना, टॉय आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, एम आपको निकालना, फॉर्मूला क्या है, टॉ मैक्सिमम इक्वल टू एम इंटू बी साइन 90। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, टॉ मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, एम को एम निकालना हमें, बी की वैल्यू आपकी ये होती है, साइन 90 का मान होता है 1, ये इसके नीचे जाएगा तो हमारी एम इक्वल टू 15 अपॉन 60 टेन टू दी पार 5, 6 ऊपर 5 नीचे, ये पार घट जाएंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक पार बढ़ जाएगी, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू में है, ये इनटू में आया 10 टू दी पावर माइनस 2। ओके, तो ये हमने इसका सॉल्व, अब देखिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, आज हम कल भी होमवर्क दिया था, आज होमवर्क दे रहे हैं, डेली होमवर्क देते हैं, आप उसको डेली वर्क क्या करो, टू लर्न मैटेलिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, हमें तुम्हें लर्न करना है, ये एक टॉपिक दे रहा हूँ, इस टॉपिक को तैयार करके आना है, इसे ही लिख के लाना है और इसको फेयर कॉप में आप एक बना लीजिए अलग, जो याद करने का काम होता है उसको डेली करें। सॉल्व द न्यूमेरिकल 33 थे 36 तक, आपको 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दे रहा हूँ, इन्हें सॉल्व करना, आज ये चैप्टर एंड कर दिया है, कल नया चैप्टर आपको चलेगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, नेक्स्ट चैप्टर द स्टार्ट न्यू चैप्टर अर्थ मैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, इसे आप कंप्लीट करिए।